हाँ फ्रेंड्स, हमारा सुनक्ता किचन में स्वागत है। तो आज मैं नए नए बचा रही हूँ आलू कद्दू के सब्जी, तो खड़े गरम मसाला में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो ये देखिए, ये आधा किलो ये कद्दू ले रखे हैं, आधा किलो आलू, इसको छील दिए थे, इसे साफ करके धो लिए हैं दो पानी से, आलू भी कर लिए हैं, इसे धो लिए हैं। तो ये देखिए, ये अदरक है 1 इंच, एक 6 से 7 लहसुन है, इसे छील लिए थे, 2 से 3 कच्चा मिर्च है, ये 3 से 4 प्याज है, काट लिए इसे। खड़े गरम मसाला में ये धनिया है, ये धनिया है, और ये मिर्ची है, ये दालचीनी है, ये काली मिर्च है, ये जीरा है, ये लौंग है, ये बड़ा इलायची है, ये कड़ी पत्ता है, और ये 4 से 5 तेज पत्ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना अब। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसे फ्राई नहीं करेंगे, तो इसे सबसे पहले एक कुकर ले रखे हैं, तो इसमें सारा डालेंगे, आलू डालेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फिर आलू डाल दिए हैं, इसमें कद्दू भी डाल देते हैं, लौकी, इसी में सारा चीज डाल देंगे, प्याज डाल दे रहे हैं, इसमें पिसा हुआ मसाला कुछ नहीं डालेंगे, कच्चा मिर्च भी डाल दे रहे हैं, अदरक भी डाल देते हैं, ये लहसुन है। तो इसमें सारे मसाला जो खड़ा वाला लिए थे गोटा मसाला, तो वो सारे डाल देते हैं इसमें। इलायची को, बड़ा वाला इलायची को, इसको हल्का सा दरदरा कर दिए, हल्का सा कूट दिए थे इसे, इसमें फ्लेवर आ जाए। और ये मिर्ची को इस तरह हल्का सा इसे तोड़ देंगे, ऐसे करके हल्का सा सारे मिर्ची में कट लगा देंगे। ये देखिए, इस तरह से हल्का सा इसे कट कर देंगे सारे मिर्ची में, इसका फ्लेवर बढ़ जाता है। सारा गरम मसाला गोटा वाला जो था सारे डाल देंगे इसमें, इसमें पिसा हुआ वाला कुछ नहीं डलाएगा, खाली हल्दी और नमक डलाएगा। इसका सब्जी बहुत टेस्टी लगता है, खाने में बहुत अच्छा लगता है, स्वाद इसका आता है बहुत ज़्यादा। तो इसमें नमक डाल दे रहे हैं स्वाद अनुसार, इसमें भूंजना नहीं है, कुछ भी नहीं भूंजाएंगे, इसमें सीटी लगेगा सारा चीज डालकर। हल्दी डाल दे रहे हैं 1 से 1.5 चम्मच, कलर आने भर दीजिएगा, ऐसा नहीं कि ज्यादा पड़ जाए। तो ये देखिए, सरसों का तेल डाल दे रहे हैं, इसमें मिक्स करेंगे, इसका बिल्कुल एकदम मटन के स्वाद जैसा आता है। इसमें 3 से 4 चम्मच बड़ा वाला चम्मच से, खाने वाला चम्मच से डाले हैं तेल, सरसों का तेल, मिक्स कर देते हैं सारे को। ये देखिए, इस तरह पूरे मिक्स कर दे रहे हैं, इसमें कुछ नहीं डालेंगे, खाली पानी डालेंगे और सीटी लगाएंगे 1 से 2 सीटी में, ज्यादा सीटी नहीं लगाना है, इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है, बनाकर देखिएगा। इसमें पानी डाल दे रहे हैं, तो ये देखिए, एक कटोरी पानी डाल दे रहे हैं, जितना ग्रेवी रख सकते हैं। हल्का सा और डालेंगे क्योंकि थोड़ा कम लग रहा है। तो ये देखिए, 1.5 कटोरी पानी डाल दे रहे हैं। अब इसे ऊपर ढक्कन लगाकर सीटी लगा देंगे, तो ज्यादा नहीं लगाना है, 2 सीटी लगाएंगे वरना आलू गल जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, गैस ऑन करके कुकर चढ़ा दिए, 2 सीटी लगेगा, उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसका सीटी निकल गया है गैस, तब इसे खोल दिए हैं ढक्कन। तो ये देखिए, इतना अच्छा बना है, ये देखिए पूरे एकदम
आलू भी इसको आलू के एक दो के थोड़ा इसको मैश कर देते हैं तो ग्रेवी गाढ़ा बन जाएगा। ये देखिए बन के रेडी हो गया है। ये देखिए कितना अच्छा बना है। तो ये देखिए फिर सब सर्व कर दे रहे हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा कि कैसा बना है। अगला वीडियो फिर लेके आऊंगी। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये देखिए बनके तैयार हो गया है। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा। अगला वीडियो फिर लेके आऊंगी। ओके बाय, थैंक यू।